आज ये कनेक्शन जोड़ दिया गया इसके अंदर, जोड़ने के बाद भी पानी से में खड़ा ढाल उधर की बजाय जाना उधर पानी चाहिए जा आ रहा है वापसी बैग में। हाँ जी सर, ढंग से डाला। अब ये पानी खड़ा हुआ है, सीवर के सारे पाइप तोड़ दिए हैं, तीन चार देखो प्लस्तर देखो नीचे, साथ के साथ सारा काम हो रहा है, साथ के साथ वो हो रहा है, नीचे प्लस्तर भी नहीं है। रोहतक में विकास के नाम पर हो रही खाना पूर्ति, ठेकेदार कर रहे लापरवाही, प्रशासन सो रहा चैन की नींद, जनता में त्राहिमाम। जी आपको बता दे, रोहतक में ठेकेदारों द्वारा विकास कार्यों में लगातार अनदेखी करने के मामले सामने आ रहे हैं और प्रशासन का रवैया इस तरफ काफी ढीला है। कभी नवनिर्मित सड़क मानकों पर खरी नहीं उतरती तो कभी पाइपलाइन फेल हो जाती है। ऐसा ही कुछ मामला आज रोहतक के पटेल नगर में सामने आया है। पटेल नगर निवासियों ने हमें बताया कि लेबर चौक से रामलीला ग्राउंड तक सीवर पाइपलाइन डाल तीन सीवर बनाए गए हैं, जिन्हें बनाते समय पानी की वह सीवर की पाइपलाइन टूट गई, लेकिन ठेकेदार द्वारा उन लाइनों की मरम्मत से पहले ही लाइन पर लिंटर डाल सीवर डालने का कार्य शुरू कर दिया गया। फलस्वरूप जब पीने के पानी की सप्लाई आती है तो पानी नए सीवर लाइन में आ जाता है और खड़ा हो जाता है, जिसे आज भी स्थानीय निवासियों ने बाल्टी से निकाला। लेकिन समस्या तो अभी शुरू होगी, क्योंकि जब इस सीवर लाइन को शुरू किया जाएगा तो पीने के पानी लाइन में सीवर का पानी जाएगा और लोगों के घर पेयजल में सीवर का बदबूदार पानी मिल करके आएगा। लेकिन तमाम शिकायतों के बावजूद न तो ठेकेदार इस तरफ ध्यान दे रहा है और न ही प्रशासन। तो आइए अब आपको सुनाते हैं इस बारे में वहाँ मौजूद स्थानीय निवासियों ने क्या कहा। ये सीवर की समस्या आ रही है, हफ्ता हो गया पूरा इनको बोलते ठेकेदार साहब को, भाई ये पानी आ रहा है इसमें, इसको ठीक करो। अभी सीवर चालू नहीं हुआ और ताजे पानी की कोई नलकी टूट गई है पूरे रोड पे, चार पांच जगह तीन होजी बनाई हैं, तीनों में पानी आ रहा है और साफ पानी आ रहा है। इसमें समस्या हो जाएगी कल को, अगर ये सीवर चालू होता है जब भी पानी आता है 3 बजे 9 बजे तब जाके ये पानी आता है और बिल्कुल साफ पानी आता है। जिस टाइम भी कोई समस्या हो गई ये पानी बंद होने के बाद, ये जो सीवर चालू होगा ये कनेक्शन दोबारा साफ पानी की लाइन में जाएगा और कल को हमारी पूरी की पूरी लाइन फिर वो सीवर वाले पानी वाली हो जाएगी, जो समस्या पूरे शहर में चल रही है। ये समस्या फिर हमारे को बोतल भर भर के प्रशासन के पास जाना पड़ेगा दिखाने के लिए, ये देखो ये बोतल हमारा गंदा पानी है। अभी तक हमारे को पानी की कोई समस्या नहीं, साफ पानी आ रहा है। इस सीवर की वजह से हमारा पानी सारा गंदा हो जाएगा। इस सीवर की नाल ठेकेदार कोई गौर नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। ठेकेदार ने कौन सा परेशान कर रखा है, 3 दिन से इसको कह रहे हैं, कहता है नहीं नहीं नहीं, और लाइन भी अभी चालू नहीं हो रही। तीनों डिग्गी बनाई है, तीनों डिग्गी में पानी बिल्कुल साफ और 3 और 9 के बीच में आ रहा है जब पानी की सप्लाई आती है, और कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। तो आपने और कहीं भी शिकायत करी है? शिकायत ऑनलाइन कंप्लेंट कर रखी है हमने, ऊपर भी कर रखी है, ऑनलाइन दरखास्त भी लिख रखी है, बहन जी ने दरखास्त भी लिख के ये भी दे गए हैं, कॉपी हमारे पास ये भी है, ये बहन जी ने करा और ऑनलाइन भी हो रखी है, इन घर वालों ने भी ऑनलाइन कर रखी है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही और पाइपें तोड़ दी गई हैं सारा परेशान करके, पानी की समस्या हो रही है, सबकी समस्या। पानी अभी मैंने 20 बाल्टी इसमें से पानी निकाला है, 3 बजे 3:30 बजे सप्लाई है, 3:30 बजे दोबारा देखो फिर भरी पड़ी है ये, और ठेकेदार इस बात को मान नहीं रहा बिल्कुल भी, बिल्कुल साफ पानी है देखो। और नई पाइप लाइन डलने के बाद भी ये पानी कैसे रुका पड़ा, ये तो देखो। आज ये कनेक्शन जोड़ दिया गया इसके अंदर, जोड़ने के बाद भी पानी से में खड़ा ढाल उधर की बजाय जाना उधर पानी चाहिए जा आ रहा है वापसी बैग में। हाँ जी सर, ढंग से डला। अब ये पानी खड़ा हुआ है, सीवर के सारे पाइप तोड़ दिए हैं, तीन चार देखो प्लस्तर देखो नीचे, साथ के साथ सारा काम हो रहा है, साथ के साथ वो हो रहा है, नीचे प्लस्तर भी नहीं है। नीचे लोकेशन क्या है? लोकेशन लेबर चौक, मेन लेबर चौक, पटेल नगर लेबर चौक, गांधी नगर लेबर चौक से 10 मीटर दूर ही पे सिर्फ। क्या नाम है आपका? भैया सचिन विज। क्या समस्या? समस्या यूँ है भैया, हमारी पाइपलाइन डली हुई थी, वो बीच में से तोड़ के इनको हम कह रहे हैं ज्वाइंट कर दो, वो ज्वाइंट भी नहीं कर रहे। इनको हमने पाइप का पूरा सामान ला के दे दिया है, भैया ये ज्वाइंट कर दो इस सीवर में, इस बंदों ने ज्वाइंट नहीं करा। जब इन्होंने जेसीबी चलाई, जेसीबी चलाने के बाद पाइपलाइन पूरी टूट गई, उसके बाद अगर वहाँ पे पानी डाल रहे हैं, पानी उसका ढलान जहाँ इन्होंने पाइपलाइन जोड़ी है वहाँ से नहीं जुड़ रहा पानी, और सीवर के अंदर भी कम से कम 3 या 3.5 फुट पानी इस टाइम खड़ा है। जहाँ इन्होंने ढलान बढ़ाई, 3 सीवर डाले इन्होंने, 3 सीवर डालने के बाद भी पानी लाइन पाइप में नहीं जा रहा, पानी बिल्कुल जा नहीं रहा। अभी इसके अंदर खड़ा होगा आपको दिखाऊंगा, कम से कम 1.5 या 2 फुट पानी होगा इसमें। इस पानी पाइप लाने के बाद क्या फ़ायदा उस नई सीवर डालने के बाद? ये भी गलत जुड़े हुए हैं सर। अगर बान चास इन्होंने पाइप की लाइन तोड़ दी फिर भी सीवर के अंदर पानी खड़े होने का क्या मतलब? तो आपकी जो पाइपलाइन टूटी है वो सीवर की है? सीवर की है सर। तो अभी क्या मांग है आप लोगों की? मांग हमारी ये बिल्कुल नई पाइपलाइन दोबारा डाल दें वहाँ से वहाँ तक, और यहाँ पानी इकट्ठा ना हो बस। अब कल को यहाँ पे सर पानी इकट्ठा हो जाए फिर दोबारा दिक्कत हो जाएगी। अब एक भी बरसात आते ही ये पानी क्या बैग मारेगा? सारा सर पानी बैग मारेगा, ये सारा ही बाहर आएगा। जहाँ पे इन्होंने पाइपलाइन जोड़ी है वहाँ ढलान नहीं है, और इस ठेकेदार ने बिल्कुल पाइपलाइन गलत जोड़ी है। पानी बैक आ रहा है उल्टा।